हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है एलोसोकोट्रिना। तो एलोसोकोट्रिना का जो कॉमन नेम है दैट इज सोकोट्राइन एलोस, और इसका जो फैमिली है जो बिलोंग करता है दैट इज कॉल्ड लिलियासी। तो अब इसके हम स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। स्पेयर ऑफ एक्शन मतलब कि ये कौन से सिस्टम और कौन से ऑर्गन्स पे ये काम करता है, तो वो है स्किन, हेड और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो अब हम चलते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम्स ऑफ एलोसोकोट्रिना ऐसा होता है कि ये बहुत एंगर होते हैं, बहुत इरिटेबल काइंड ऑफ नेचर के होते हैं, ये बहुत वेरी पर्सन्स होते हैं, लाइक ये ना मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बाय हार्ड वर्क, और कोई एग्जर्शन हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं। देन ये फ्लेगमेटिक काइंड ऑफ नेचर इनका हैबिट होता है, मतलब कि ये बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं है कि इनको कोई इमोशनल हो रहे हैं या फिर एक्साइटेड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ये ना हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं हर एक चीज़ को लेकर के, एक एंगर रहता है हमेशा वो डिससेटिस्फेक्शन को लेकर के, अपने कंप्लेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, अपने खुद के लिए भी वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, एंगर रहेगा इनको। तो ऐसा कुछ नेचर होता है एलोसोकोट्रिना के। तो ये सारे हो गए मेंटल सिम्टम्स। तो अब चलते हैं हम इसके डिजीज सिम्टम पे। तो शुरू में स्किन में अगर बोला जाए तो इचिंग स्किन में बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली एट विंटर के टाइम पे, और ये हर साल विंटर आते ही इनका जो इचिंग का कंप्लेन है वो आ ही जाता है, तो इसमें एलोसोकोट्रिना बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम हेड पे जाएंगे तो हेडेक पे बहुत अच्छा काम करता है, और हेडेक जब होते रहता है तो इनके आईज जो है वो बहुत हैवीनेस रहता है और एक नौजिया वाला फीलिंग रहता है, नौजिया का मीन्स उल्टी उल्टी लगना। और हेडेक जो होता है वो अल्टरनेट विथ लुम्बैगो भी होता है। लुम्बैगो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोअर बैक होता है उसमें अगर कोई मसल्स और जॉइंट्स में पेन रहता है तो दैट इज कॉल्ड लुम्बैगो। तो हेडेक अल्टरनेट विथ लुम्बैगो ऐसा रहता है इनका सिम्टम। देन अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे चलेंगे तो वहाँ जो है इनको गैस्ट्राइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। गैस्ट्राइटिस में जैसे फ्लेटस होता है, फ्लेटस का मतलब पासिंग गैस, तो उसको फ्लेटस बोलते हैं। तो जो फ्लेटस रहता है ना इनका स्टूल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी रहेगा लेकिन फ्लेटस इनमें ज़्यादा रहेगा, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया पे बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे कि अगर तुरंत कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो तुरंत उनको डायरिया होंगे। देन अगर बोला जाए तो इनको पाइल्स में भी अच्छा काम करता है, जो हेमोरॉइड्स बोला जाता है, तो इनका पाइल्स जो रहता है उसका अपियरेंस ऐसा होता है कि ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसा एक अपियरेंस रहता है, बहुत कटिंग पेन रहता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेनफुल रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, इचीनेस रहता है एनस पे। तो ये सारे हो गए इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। एक और भी है कि जो कोलिक में भी इनको काम आता है ये एलोसोकोट्रिना। कोलिक का मतलब जो एब्डोमिनल पेन होता है उसको कोलिक बोला जाता है, तो कोलिक पेन में भी इनको बहुत अच्छा काम करता है एलोसोकोट्रिना। तो ये सारे हो गए हमारे डिजीज सिम्टम्स के बारे में। तो अब हम चलते हैं इसके मोडेलिटीज पे। तो मोडेलिटीज जो है, मोडेलिटीज में मैंने दो चीज बताया है, उसके अंदर एक एग्रावेशन होता है और एक एमिलोरेशन होता है। एग्रावेशन का मीन्स किस चीज में इनका कंप्लेन जो है वो बढ़ जाता है, और एमिलोरेशन मीन्स किस चीज से इनको कंप्लेन जो है वो कम जाता है। तो पहला एग्रावेशन के बारे में बात करें तो हॉट वेदर हो गया, ड्राई वेदर हो गए, या फिर ये कहीं पे वॉक कर रहे हैं, कहीं चलना फिरना इनका रह रहा है, स्टैंड करके ये ज़्यादातर खड़े होके रह गए हैं, या फिर जैसे अर्ली मॉर्निंग्स हो गए उसमें इनके कंप्लेंट्स ज़्यादातर रहता है, या फिर कुछ जैसे खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं तो उसके बाद भी इनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारे थे इनके एग्रावेशन के बारे में। अब इनके एमिलोरेशन पे चलते हैं। एमिलोरेशन जो है वो कोल्ड वेदर में बहुत अच्छा काम करता है, और जब ये आफ्टर पासिंग स्टूल एंड फ्लेटस तो तब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इनके कंप्लेंट से, तो थोड़ा ये अच्छा लगता है उनको। तो ये सारे थे इनके
एमिलोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था एलोसोकोट्रिना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो पे, फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।